गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सक्सेस फाइंड द ओपन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम चैप्टर फर्स्ट की। आज ये हमारी 6 वीडियो होगी, इससे पहले 5 वीडियो बना चुके हैं और हमने अभी तक 120 क्वेश्चंस किए हैं कंप्लीट। आज हम 121 और उससे आगे के क्वेश्चंस का स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 121, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 17 है, यदि संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम में होती है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखना, दो अंकों की अगर संख्या लेते हैं x और y, तो दो अंकों की एक संख्या अंकों का योग 17 है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 17, इक्वेशन फर्स्ट। और कहा इस संख्या में यदि 9 जोड़ा जाता है तो संख्या हम कैसे लिखते हैं, दो अंकों की टेन एक्स प्लस वाई। पहली वीडियो में बताया जा चुका है कि इकाई अंक को 1 से गुना करते, ढाई अंक को 10 से गुना करके जोड़ते हैं। तो यदि इस संख्या में 9 जोड़ा जाता है, अगर हम इसमें 9 जोड़ देते हैं तो इसके अंक पलट जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो इकाई अंक है वो ढाई बन जाएगा और जो ढाई है वो इकाई बन जाएगा। यह आ जाएगा टेन वाई और प्लस के एक्स। यहाँ से इक्वेशन निकालना, एक्स और वाई को इस तरफ ले आएंगे और नाइन को इधर, टेन एक्स माइनस एक्स और प्लस के वाई माइनस के टेन वाई इक्वल टू माइनस के नाइन। क्या आ जाएगा, टेन यानी कि नाइन एक्स और माइनस के नाइन वाई इक्वल टू माइनस के नाइन। तो नाइन को मन लेकर काट देते हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट क्या आती है हमारी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 17, ये इक्वेशन फर्स्ट की जो हमने यहाँ से निकाला था, पहले सेंटेंस में दिया गया है। अच्छा, इसको सोल्व करते हैं, वाई वाई से कैंसिल, यानी कि टू एक्स इक्वल टू 16, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 8, एक्स बराबर 8। एक्स का मान हम इसमें रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, एक्स की वैल्यू समीकरण नंबर एक से, तो ये आ जाएगा कितना, 16 प्लस के वाई इक्वल टू 17, एक्स का मान कितना 8, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी 8 प्लस वाई, तो वाई इक्वल टू 17 माइनस के 8, वाई इक्वल टू हो जाएगा इसमें कितना 9। तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, संख्या एक्स और वाई हमने संख्या मानी थी, एक्स का मान कितना है 8 और वाई का कितना है 9, तो संख्या 89, ये आंसर आ जाएगा, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, दो अंकों की एक संख्या का ढाई का अंक इकाई से 2 अधिक है। देखना, अगर हम संख्या लेते हैं कौन सी, एक्स और वाई, तो ये इकाई अंक है, इसमें ढाई अंक हो जाएगा, ये तो क्या है इकाई अंक और ये ढाई अंक, ढाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है, यानी कि वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये आ जाएगा ढाई का अंक, उल्टी लिखता हूँ, ढाई का अंक तो हमने एक्स माना है, एक्स इक्वल टू इकाई के अंक से 2 अधिक है, यानी कि वाई प्लस 2, वाई प्लस 2, ये क्या बनेगी इक्वेशन, एक्स माइनस वाई इक्वल टू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यदि हम इस संख्या में 18 घटाते हैं तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम में होती है। जो 10 संख्या थी 10x प्लस वाई, इसमें से अगर हम 18 माइनस करते हैं 18, तो ये संख्या के अंक पलट जाते हैं, ये हो जाएगी 10y और प्लस x, 18 को आप इधर ले इस संख्या को इधर, तो 10x और माइनस के x और प्लस के y माइनस के 10y इक्वल टू ये आ जाएगा 18। तो यहाँ से क्या आएगी इक्वेशन, 9x माइनस के 9y इक्वल टू 18, यहाँ से x माइनस y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, इक्वेशन नंबर 2। तो एक क्या थी, x माइनस y बराबर 2, x माइनस y बराबर 2, दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड सेम हो रही है। दोनों पहली इक्वेशन क्या थी, x माइनस y इक्वल टू 2, और दूसरी क्या है, x माइनस y इक्वल टू 8, ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये सेकंड। तो सॉल्यूशन तो ऐसे निकलेगा नहीं इसका, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ऑप्शन से देखते हैं। देखना क्या है, क्या दो अंकों की एक संख्या ढाई के अंक से 2 अधिक है, सभी में अगर इकाई ढाई अंक देखते हैं, जैसे ए ऑप्शन है तो 7 और 5 जो इकाई अंक है वो ढाई अंक से 2 कम, यानी कि ढाई अंक 2 अधिक है, 5 से 2 अधिक है 7, इस पर भी 2 से अधिक है 4, तो सारे ऑप्शन वही हो रहे हैं। दूसरी कंडीशन देखिए, इस संख्या में से यदि 18 घटाते हैं तो नई संख्या पहली अंकों का उलट क्रम में होती है। देखना ऑप्शन अगर हम ये लेते हैं 86 में जो इकाई अंक है ये ढाई अंक इकाई से 2 अधिक है, और इसमें अगर हम 18 घटाते हैं माइनस के 18 हमने माइनस किया, क्या बचेगा, ये बचेगा यहाँ पर 8 और ये कितना हो जाएगा 7 6 68 बचेगा, यानी कि अंक पलट जाते हैं। 86 का क्या बन जाएगा, अगर हम माइनस 18 करते हैं तो 68 आ जाएगा, अंक पलट जाते हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, यदि एक दो अंक की संख्या में इकाई के स्थान पर जेड
और ढाई के स्थान पर अंक आठ हो तो वह संख्या क्या होगी? देखना दो अंकों की संख्या, इकाई के स्थान पर क्या है जेड और ढाई के स्थान पर आठ, तो एट और जेड वह संख्या है। हम कैसे लिखते हैं, जो इकाई अंक है तो एक से गुना करते हैं और ढाई अंक को दस से मल्टीप्लाई करते हैं, दस से गुना करते हैं, क्या लिखी जाएगी संख्या अस्सी और ये कितनी जेड, तो अस्सी प्लस जेड ये संख्या हो जाएगी, अस्सी प्लस जेड ये आंसर हो जाएगा हमारा, अस्सी प्लस जेड आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है, यदि हम संख्या में 45 जोड़ दें तो प्राप्त नई संख्या के अंकों को इंटरचेंज कर देती है, इंटरचेंज मीन्स बदल जाती है, उलट जाती है संख्या। तो दो संख्या हम क्या लेते हैं, अंक एक्स और वाई, इनका गुणनफल कितना है 24, एक्स वाई इक्वल टू 24, और यदि हम संख्या में 45 जोड़ दें, संख्या क्या लिखेंगे दस दो अंकों की, टेन एक्स प्लस वाई, इसमें हम क्या जोड़ते हैं 45, 45 जोड़ दें तो इसके अंक इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि 10y और प्लस के x हो जाएगा। यहाँ से निकालिए आप 45 को इधर ले और बाकी संख्या को इधर, 10x माइनस के x और प्लस के y माइनस के 10y इक्वल टू माइनस 45, यहाँ जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ से 9x माइनस के 9y इक्वल टू माइनस 45, 9 से डिवाइड करते हैं सभी को तो x माइनस y इक्वल टू माइनस के 5 जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर हमारी दो और ये क्वेश्चन नंबर थ्री। अब हम एक और दो में कंपेयर करते हैं, ऐसी दो संख्या जिनका गुणनफल 24 और इनका अंतर 5 हो जाए तो 3 और 8 हो जाएंगे, देखना 3 और 8 अगर हम ये गुना करते हैं 3 8 24 और इनका डिफरेंस करते हैं तो माइनस 5, इनकी अगर गुना हम करते हैं 3 गुना 8 बराबर कितना आ जाएगा 24 और 3 में से अगर हम 8 माइनस करते हैं तो इक्वल टू माइनस के 5, तो संख्या क्या होगी हमारी 38 हो जाएगी, संख्या संख्या क्या है 38, देखना ऑप्शन में 83 भी दिया है, 83 में से अगर हम 8 में से 3 माइनस करते हैं तो प्लस के 5 होते हैं, इसलिए हमने 83 नहीं दिया, तो संख्या क्या होगी हमारी ये 38 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस दो अंकीय अभाज्य संख्याओं में जिनकी इकाई और ढाई के स्थानों पर संख्याएं बराबर होती हैं के अंकों का योग कितना होगा? एकमात्र अभाज्य संख्या 11 है जिसमें इकाई का अंक और ढाई का बराबर होते हैं दोनों, ये भी एक और ये भी एक, संख्या क्या हो जाएगी 11, इनके अंकों का योग पूछा गया है, अभाज्य संख्या भी अंकों का योग 1 प्लस 1 बराबर 2, अंकों का योग 2 हो जाएगा, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुना पर आधारित, देखना यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तीन गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, एक संख्या एक्स मान ली हमने, इसमें कितना जोड़ा है हमने 21, तो वह अपनी तीन गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, इतनी 3x माइनस 7 हो जाती है संख्या, तो वह संख्या कितनी, 21 को आप इधर लाइए और 3 को इधर लाइए, क्या बचेगा इसमें देखना, इस संख्या में 21 जोड़ जाए तो वह अपनी तीन गुने से 7 कम हो जाती है। अच्छा, या आप x को ले आइए तो x और x ये हम देखना x यहाँ पर आ जाएगा और संख्या संख्या एक साइड 21 प्लस के ये कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू 3x माइनस के x, यहाँ क्या आ जाएगा 28 इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 14, x बराबर 14, संख्या क्या है 14, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याओं में पहली दूसरी पहली की तीन गुनी और तीसरी संख्या उसकी तीन चौथाई है तो तीनों संख्याओं का औसत दिया है 14, औसत कितना है एवरेज इक्वल टू 114, तो अगर हम कुल मान निकालेंगे टोटल वैल्यू कुल मान आ जाएगा 3 गुना 114, क्योंकि कुल मान निकालने के लिए गुना करते हैं, औसत निकालने के लिए भाग करते हैं, औसत का फॉर्मूला संख्या बटे ये सॉरी योग बटे संख्या, तो इसमें हम तीन संख्या लेते हैं, देखना पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, क्या दिया है कि तीन संख्याओं में दूसरी पहली की तीन गुनी, अगर हम पहली को एक मानते हैं तो ये तीन गुनी हो जाएगी दूसरी तीन में, इसमें एक अनुपात तीन बनता है, तथा तीसरी संख्या पहली की तीन चौथाई, अगर पहली संख्या एक है तो ये तीसरी संख्या पहली की तीन चौथाई, तीसरी संख्या निकालने पहले की ये कितनी आ जाएगी तीन चौथाई, तीन बटे इसमें क्या लेंगे तीसरी संख्या ये कितना है तीन बटे चार, पहली संख्या एक है तो ये तीन बटे चार हो जाएगी, इसका तीन चौथाई ये अनुपात निकलेगा इसमें, बटे में जो कभी संख्या ना होनी चाहिए अनुपात में, तो बटे में कितना चार, इसका चार कैंसिल करेंगे फोर से मल्टीप्लाई ही कर लेंगे, तो चार की गुना एक में करेंगे अनुपात कितना चार, और ये कितना आ जाएगा 12, और ये कितना आएगा चार से चार कैंसिल तीन आ जाएगा, इनका योग कितना होगा योग करके 12 और 4 16 और 3 19, इसे 19 यूनिट मानेंगे, 19 इकाई 19 यूनिट बराबर
टोटल मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, 3 × 114, 3 × 114 कुल मान निकालते, औसत दिया था 114, हमने कुल मान निकाले 3 से मल्टीप्लाई करो तो 19 से भाग करेंगे कितना 6 आ जाएगा, 6 × 3 = 18, 1 यूनिट का मान कितना आएगा 18। अब इस क्वेश्चन में हर चीज 18 गुनी है, क्या कहा है क्वेश्चन में, सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या तो 12 है, इसे गुना करेंगे 18 × 2 = 36, 18 और 3 कितने हो जाएंगे 21, तो संख्या क्या होगी 216, तो संख्या 216 आंसर इज बी। न्यू क्वेश्चन 28, किसी संख्या की 3 × 7 घटाएंगे परिणाम 14 प्राप्त होता है, वह संख्या कितनी, किसी संख्या की 3 × संख्या से अगर एक्स है तो इसका 3x हो जाएगा, इसमें से 7 घटाने पर परिणाम कितना आता है 14, तो संख्या का 3 × 7 − 14 14 आया, 7 को आप इस तरफ ले आइए तो 3x = 21, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, संख्या कितनी हो 7, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 को 2 ऐसे भागों में विभाजित किया, इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना और दूसरे का 5 गुना में जोड़ने पर 146 प्राप्त होता है, पहला भाग कितना है, अगर संख्या क्या है 24, 24 के 2 भाग किए, पहली संख्या को अगर x मानते हैं तो दूसरी 24 − x हो जाएगी, तो इन दोनों संख्याओं में तो क्या कहा है, पहली संख्या पहले भाग का 7 गुना, इसे तो हम 7 से गुना करेंगे और इसे 5 से गुना करेंगे, इनका योग कितना जाएगा दोनों को अगर जोड़ते हैं 146, सोल्व करना तो 7x प्लस 5 के अंदर गुना करते हैं 24 × 120 और माइनस के 5x बराबर कितना जाएगा 146, 120 माइनस करें इधर से और 7x माइनस के 5x क्या बचेगा इसमें 2x, 2x = 146 − 120 क्या बचेगा 26, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, क्या कहा क्वेश्चन में पहला भाग कितना है, पहला भाग हमने क्या माना था x, तो x कितना आ जाएगा डी आंसर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 संख्याओं का योगफल 132 है, यदि पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी और तीसरी से संख्या पहली की संख्या का 1/3 हो तो दूसरी संख्या, अभी क्वेश्चन है कि हमने अनुपात मान के या आप डायरेक्टली मान लीजिए 3 संख्या है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 संख्या है इनका योगफल 132 है, यदि पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी, अगर दूसरी को हम एक्स मानते हैं तो ये 2x हो जाएगा 2x और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 ये कितना आ जाएगा एक्स बट्टे 3 आ एक तिहाई सॉरी पहली संख्या यानी कि 2x/3, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और तीसरी संख्या पहली की 1/3 यानी कि 2x/3, इन सब को अगर हम जोड़ दें तो इक्वल किसके होता है 132 के 132 से, एलसीएम लेना यहाँ से कितना जाएगा 3x + 2x/3 इक्वल टू कितना है 132, एलसीएम 3 × 3 = 9 और 2 = 11, 11x/3 बराबर 132 कितना आ जाएगा 11 से भाग करेंगे 12 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी है 12 × 36 = 36, क्या कहा है तो दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी हमने कितनी मानी थी x, x की वैल्यू 36 आई है, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 131, 74 को 2 ऐसे भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 454 के तुल्य हो जाए, दोनों भाग कितने हैं, देखना 74 को 2 भागों में बांटा गया है, एक अगर x मान लेते हैं एक 74 − x हो जाएगा, तो पहले भाग का 5 गुना इसे हम 5 से गुना करते हैं पहले भाग को और दूसरे भाग को हम 11 से गुना करते हैं, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 454, बस ये सोल्व करना है तो 5x + 11 की गुना करते 11 × 44 = 77 और 4 कितने हो जाएंगे 81, 814, 1177 और 4 ठीक है माइनस के 11x = 454, यहाँ से 11 में से आप ये घटाएंगे 5x तो माइनस क्या बचेगा 6x और 814 को इधर ले आइए संख्या में तो क्या आ जाएगा माइनस का बचेगा तो 0, 11 में से 5 6 और 7 में से कितना 360, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 × 36 = 60, एक संख्या 60 है और दूसरी कितनी आ जाएगी फिर, ये तो पहली संख्या हुई और दूसरी आ जाएगी फिर 74 माइनस के यानी कि 40, तो 2 संख्या क्या आ जाएंगी 60 और 14, एक संख्या 60 है और दूसरी 14, आंसर हमारा क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो, एक संख्या का 3 गुना, संख्या x मानते हैं इसका 3 गुना, उसी संख्या के 3/5 भाग x का 3/5 भाग से 60 अधिक हो, प्लस 60 करेंगे तो हमें संख्या बताऊंगी
3/5 एक्स को आप इधर ले आइए एक्स साइड में, तो 3x-3x/5 और इक्वल टू 60 कितना आ जाएगा, 5 या 15 माइनस के 3 12x/5 इक्वल टू 60, तो 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, एक्स की वैल्यू कितनी आई 25, 5 पंजे 25, 25 हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याओं का योग 140 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी और तीसरी संख्या की चार गुनी। देखना अगर हम संख्या लेते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीन संख्या है, तो पहली संख्या दूसरी की दोगुनी और तीसरी की चार गुनी, अगर ये हम एक्स ही मानते हैं तो पहली संख्या इसकी चार गुनी हो जाएगी 4x, ये हमने मान लिया, तीसरी संख्या हमने एक्स मानी है, ठीक है ना, तीसरी संख्या की चार गुनी है, कौन सी संख्या, पहली संख्या, यदि पहली संख्या तीसरी संख्या की चार गुनी, तीसरी संख्या को हमने x माना, पहली संख्या हो जाएगी 4x, तथा पहली संख्या दूसरी की दो गुनी है, जब ये दूसरी की दो गुनी है इसका मतलब दूसरी संख्या इसकी याद दिए 2x हो जाएगी, पहली संख्या दूसरी की दो गुनी, तो दूसरी अगर 2x है तो ये 4x हो जाएगी। इन सब का योग कितना है, इन सब का योग दिया गया है 140, 140 जो नाप 4 और 2 6 और 1 7, 7x = 140, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, x = 20। संख्या क्या पूछिए, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी तो ये 4x, तो 4 × 20 तो कितना आ जाएगा 20 × 80, संख्या क्या आ जाएगी, सबसे बड़ी संख्या 80, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से तीन गुनी है, देखना एक बॉयज और एक गर्ल्स, लड़कियों की संख्या से तीन गुनी, अगर ये एक है तो ये 3 हो जाएगा, इसका अनुपातिक योग कितना हो जाएगा 3:4 का, ये 3:4। निम्न में कौन सी संख्या कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती, यानी कि देखते हैं कि जो इनका सम आया है 4, 4 से कौन सी संख्या नहीं कटती, 40 भी कटती है, 42 नहीं कटती, 44 ये 44 भी कट जाएगी, 48 भी, तो संख्या 42 नहीं है, 42 बच्चों की संख्या, यानी कि 42 को 3:1 के अनुपात में नहीं बांटा जा सकता, आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में लड़की और लड़कों की संख्या 5 गुनी, जैसे अभी क्वेश्चन हमने किया है लड़कों की संख्या से 5 गुनी, देखना गर्ल्स और बॉयज, बॉयज संख्या अगर 1 है तो ये 5 है, इनका सम कितना आ जाएगा जोड़कर 6 आ जाएगा, तो वो संख्या देख लीजिए जो 6 से नहीं कटती, 6 से 30 भी कटती है, 42 भी कटती है, 35 नहीं कटती, तो 35 संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा 35, 35 संख्या इस अनुपात में नहीं हो सकती 5:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या का 3 गुनी है, अगर बॉयज और गर्ल्स जो हमने अभी किया था क्वेश्चन, इसकी 3 गुनी है, अगर 3 है तो ये, इसका सम कितना आता है 4, 4 से ना कटने वाली संख्या देख लीजिए कौन सी है, तो 4 से कौन सी नहीं कटेगी 42, तो आंसर क्या हो जाएगा 42 हमारा बी आंसर, ये नहीं कटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या उसकी 3 गुनी है, ये तो अभी क्वेश्चन किया हमने, तो क्या आ जाएगा वही 4 से 42 आ जाएगा, सेम डू योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी और तीसरी की 3 गुनी है, तीनों संख्याओं का औसत 88 है, तीन संख्याएं फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीन संख्याओं कैसे दी हुई है, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी, अगर दूसरी को हम x मानते हैं तो ये कितनी आ जाएगी 2x, तथा तीसरी की 3 गुनी है, पहली संख्या इसकी 3 गुनी है, ये चाहे ऐसे मान लीजिए अगर ये हम 2x मानते हैं तो ये 4 हो जाएगी, ये अगर हम 3x मानते हैं तो ये 6x हो जाएगी, अगर हम 3x लेते हैं तो पहली संख्या कितनी है 6x, संख्या अलग से पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी और तीसरी से 3 गुनी, अगर तीसरी को x मानते हैं तो यह आ जाएगी 3x, तथा दूसरी से 2 गुनी है, यह संख्या इसकी 2 गुनी है, इसका मतलब याद है फिर 3x/2, संख्या से मान लें ये इस अनुपात में, इनका योग कितना है, और 3 × 88 इनका योग, अगर तीनों को जोड़ते हैं इन संख्याओं को, ये तो औसत दिया ना 88, तो कुल योग क्या आ जाएगा फिर इसमें 3 × 88, एलसीएम लेना यहाँ से, इसको जोड़ते हैं 3 और 1 4, 4x+3x/2 इक्वल टू 3×88, 3 × 88 एलसीएम लेते हैं, 8 और 3 11, 11x/2 = 3 × 88, तो 11 से कितनी बार हो जाएगा 11 × 88, और ये 2 + 6 = 48, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 × 48, x = 48 निकालना हम क्या है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी तो हमने एक्स ही मानी थी संख्या,
भी आ जाएगी, संख्या 48 होती है, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में जब 26 का योग किया जाता है तो वह अपने आप का 113% होती है। एक संख्या x, इसमें हम जब 26 जोड़ते हैं तो यह खुद का 113% x का 113% परसेंट बटे में 100 आ जाएगा, इतनी हो जाती है। तो यह संख्या बतानी है, x को आप इस साइड ले आएगी, इधर क्या बचेगा 26 बराबर 113x बटे 100 और माइनस के कितना आ जाएगा ये x, ये संख्या x इधर आएगी, तो 26 बराबर एलसीएम लेंगे तो 13x बटे 100 आ जाएगा, इससे कितनी बार जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई x का मान कितना आएगा 200 आ जाएगा, तो संख्या हमारी कितनी आएगी वो 200, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैर शून्य संख्या यानी कि पॉजिटिव संख्या, एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम के 3 गुना का योग, एक संख्या x है और इसका व्युत्क्रम तो 1 बटा x हो जाएगा, इसका 3 गुना यानी कि 1 बटा x का 3 गुना का योग, इन दोनों का योग करते हैं, ये बराबर 13 बटे 2 है, तो हमें संख्या बतानी है, x की एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x इक्वल टू कितना 13 बटे 2, तो उस मल्टीप्लाई करो यहाँ से 2 की गुना हो जाएगी तो 2x स्क्वायर प्लस के 6 इक्वल टू 13 दूनी 26, 2x स्क्वायर प्लस ये भी तो आ जाएगा प्लस 6, 2 की गुना करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 13 दूनी 26 ये आ जाएगा 26, सॉरी 13 की x में गुना से तो ये आएगा 13x, इधर ले आएगा तो 2x स्क्वायर माइनस के 13x और प्लस के 6 इक्वल टू 0, 6 की और 2 की हम गुना करेंगे 12 हो जाएगा, यानी कि 12 के ऐसे टुकड़े जिनका योग क्या हो जाए 13, तो क्या हो जाएंगे 12 प्लस 1 हो जाएंगे, गुना करके 12 और योग करके 13 हो जाएगा संख्या, हम क्या लिखेंगे 13 के प्लस 12 प्लस 1 2x स्क्वायर माइनस ये कितना 12 प्लस 1 यहाँ पर x प्लस 6 इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो तो 12x माइनस के x और प्लस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या लेंगे हम कॉमन 2x लीजिए, यहाँ से कॉमन 2x कॉमन लेंगे क्या बचेगा x माइनस 6 और यहाँ से माइनस का 1 लेंगे कॉमन, ये भी x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ से x माइनस 6 फिर से लो कॉमन x माइनस 6 क्या बचेगा तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यदि x माइनस 6 x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी x बराबर 6, तो संख्या वो क्या आ जाएगी 6, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, एक अशून्य संख्या जिसके व्युत्क्रम के 10 गुने का योग 7 है, लेकिन अगर हम संख्या लेते हैं x और इसके व्युत्क्रम के 10 गुना, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1 बटा x, इससे 10 से गुना करते हैं, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 7, हमें वो संख्या ज्ञात करनी है, एलसीएम लेंगे यहाँ से x के x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन x इक्वल टू कितना है 7, क्रॉस मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 7x, 7x को इस साइड ले आइए आप, x स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस 10 इक्वल टू 0, 10 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 7, तो क्या आ जाएंगे 10 के तुम 10 और 7, 10 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 7 हो तो क्या हो जाएंगे x इक्वल टू 5 और 2 आ जाएंगे, तो हम क्या लेंगे संख्या 5, इसके हम फैक्टर करके देख लेंगे तो x इक्वल टू 5, तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी 5, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या और उसके पारस्परिक व्युत्क्रम का योग 61 बटे 30 है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखना ऐसे क्वेश्चन में अगर हम संख्या मानते हैं, इसके दो तरीके हैं, एक तो परंपरागत तरीका क्या है, एक संख्या x मानते हैं x और उसके व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, इनका योग कितना है 61 अपॉन 30, एलसीएम लेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 61 अपॉन 30, उस मल्टीप्लाई करेंगे 30x स्क्वायर प्लस 30 इक्वल टू 61x, तो 61x को इधर ले आइए 30x स्क्वायर माइनस 61x प्लस 30 इक्वल टू 0, यहाँ से फैक्टर करेंगे 30 की और 30 की गुना कितनी हो जाएगी 900 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 61 हो जाए, तो या तो हम इस तरीके से x की वैल्यू निकाल लेंगे या फिर दूसरा एक ऑप्शन से है, अगर हम इस ट्रिक से पढ़ते हैं यूजिंग ऑप्शन,
यूजिंग ऑप्शन, ऑप्शन से लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन 5/6, अगर एक संख्या 5/6 इसका उल्टा क्या हो जाएगा 6/5, इनका आप योग करना, एलसीएम कितना आएगा 30, एलसीएम 30 आया तो 5 से भाग करेंगे ये तो कितना 25 और प्लस किए 36, 25 36 कितना आ जाएंगे ये 61 61/30। देखना वही क्वेश्चन जो दिया था कि उनका योग कितना आना चाहिए 61 61/30, तो संख्या क्या आ जाएगी हमारी 5/6, ऐसे कर लीजिए आप इसको, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 315 किसी ऐसी संख्या के 5/4 का 7/8 है जो संख्या का 5/9 क्या होगा, हमें संख्या ज्ञात करके 5/9 निकालना है। तो देखना एक संख्या अगर एक्स है इसका 5/4 का 7/8, 7/8 से फिर गुना करेंगे ये बराबर किसके 315 के, हमें 5/9 निकालना है। एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 30, 5 3 15 और 7 से कितना आ जाएगा 9, तो ये कितना आ जाएगा 4 8 32 की इधर गुना करेंगे तो x इक्वल टू डेट लिख दीजिए आप 9 × 4 और 8 ये संख्या है, हमें इसका निकालना 5/9, आप इसमें 9 × 4 और 8 को 5/9 से डिवाइड कर गुना कर देंगे, इससे कैंसिल, 5 × 20 20 8 ये आ जाएगा 160, तो संख्या क्या आएगी 160, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या का 170% को 66 में जोड़ा जाए, एक संख्या का 170% 170/100 ये किसमें जोड़ा जाए 66 में जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या के 2 गुने के बराबर आता है, संख्या हमने क्या मानी x, इसका 2 गुना तो 2x आ जाएगा, यहां से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये इसे इधर ले आइए, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचेगा 17/10, तो 66 = 2x माइनस ये कितना 17x/10 बचेगा, एलसीएम लेंगे तो 66 = 10 × 20 घटाएंगे कितना 3x/10, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 22 की 10 में गुना हो जाएगी तो x इक्वल टू 220 220, संख्या क्या आ जाएगी 220, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 74/35 है, जो आपको अभी बताया था कि अगर ऑप्शन से करते हैं, देखना बटे में 35 है तो 7 की 5 की गुना करेंगे 35, इसमें भी ए या बी में से कोई आएगा, बी को ट्राई करके देखते हैं, अगर हम ट्रिक से करते हैं इसे तो क्या ऑप्शन से इजी पड़ेगा, तो 5/7 और इसका उल्टा क्या हो जाएगा 7/5, दोनों का योग करना एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 35, इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 25 और 5 से भाग करेंगे 7 से 49 तो कितना है 74/35, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा इसमें बी आंसर, यानी कि वो संख्या क्या आ जाएगी 5/7 होगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या के 3/7 के 9/5 9/15, एक संख्या x इसका कितना 7/3 का 9/15 9/15 से गुना करेंगे ये किसके बराबर है, उसी संख्या के 3/5 के 7/12 x का 3/5 और इसका कितना है फिर 7/12 भाग से 7 अधिक, ये क्वेश्चन है, तो हमें संख्या का 2 गुना निकालना है, x का पहले मान निकालिए उसका फिर 2 गुना करते हैं, 3 से भाग करते हैं ये 3 आ जाएगा और यहाँ से 3 × 12 तो कितना है 7 या 21 21x/15 और बराबर किसके हो जाएगा ये कितना होगा 7x 7x/5 × 20 और प्लस के 7 20 को आप इधर लेंगे 7/20 21x/15 और माइनस हो जाएगा 7x/20 इक्वल टू किसके 7 के एलसीएम लेंगे यहाँ से एलसीएम कितना आया इसका 60 15 × 60 21 × 84 84x माइनस ये 3 आ जाएगा 7 या 21x इक्वल टू 7 देखना क्या बचेगा यहाँ से 84 − 21 63 63x/60 इक्वल टू कितना है 7 7 × 63 तो कितना आ जाएगा एक्स की वैल्यू 60/9 यानी कि आ जाएगी 3 से भाग करेंगे 20/3 हमारी संख्या कितनी आई 20/3 लेकिन एक इसका 2 गुना कितना होगा हमें निकालना है 2x की वैल्यू यानी कि 20/3 का 2 गुना 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 40/3 यानी कि आ जाएगा 13.33 13.33 आंसर क्या आ जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 19/2 अधिक है संख्या ज्ञात कीजिए, एक संख्या है एक्स यह अपने 5 गुने से एक संख्या अपने 5 गुने से 5x से 19/2 अधिक है तो 19/2 आ जाएगा
19 बटे 2 अधिक है, ये संख्या हम क्या ले जाएंगे x को आप इधर ले लें, एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने, अच्छा व्युत्क्रम करने का संख्या में गलत, एक संख्या इसका व्युत्क्रम क्या आ जाएगा बटे में x आएगा और इसका 5 गुना, 5 बटे x से कितनी अधिक है 19 बटे 2 अधिक, तो 5 बटे x को इधर ले आइए आप, x माइनस 5 बटे x बराबर 19 बटे 2, एलसीएम लेंगे x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन x इक्वल टू 19 बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस के 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा 19x, यहाँ से 19 को भी इधर ले आइए आप, 2x स्क्वायर माइनस के 19x और माइनस के 10 बराबर 0, 2 की गुना करते हैं 10 में 20, 20 कैसे टुकड़े जिनका अंतर 19 है, तो 20 और 1 आ जाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस के 20 माइनस के 1 और ये x माइनस के 10 इक्वल टू 0, यहाँ से x की 2 वैल्यू आएंगे, x जो पॉजिटिव में आएगा कितना 10 ही आ जाएगा, वो देखना 2x स्क्वायर माइनस के 20x और माइनस माइनस प्लस x, x और माइनस के 10 इक्वल टू 0, हमने यहाँ से माइनस की मल्टीप्लाई उधर से x की, इससे क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ से 2x, तो 2x अगर कॉमन आएगा क्या बचेगा x माइनस 10 और यहाँ से प्लस 1 लेंगे हम कॉमन, तो x माइनस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 10 फिर से कॉमन है x माइनस 10, अब क्या बचता है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस 10 इक्वल टू यदि 0 हो तो x का मान कितना आ जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आएगा 10, संख्या क्या आ जाएगी हमारी 10, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जानवरों पर आधारित, देखना जानवरों पर आधारित के एक फॉर्मूले हैं, जो जानवरों की संख्या होगी जो सिर होंगे टोटल सिर, सिर को हम किससे इंडिकेट करेंगे एच से, जो झुंड में कुल सिरों की संख्या, ये कुल जानवरों की संख्या के बराबर ही होगी, ये कुल क्या आ जाएंगे कुल जानवर आ जाएंगे, ये एच हो जाएगा, और अगर इसके हम पैर मिलाते हैं तो पैर की इसे एल से इंडिकेट करेंगे लेग्स, ये क्या आ जाएंगे ये इसके पैर होंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है अगर हमें निकालना है फोर लेग, चार पैर वाले प्राणी, चार पैर वाले प्राणी इनकी हमें संख्या निकालनी है, तो एल बाई टू माइनस एच का फॉर्मूला, और अगर निकालने हमें दो पैर वाले प्राणी, दो पैर वाले प्राणी प्राणियों की संख्या बराबर यह आ जाएगा 2h माइनस एल बाई टू, ये आप फॉर्मूले नोट कर लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हीं पर आधारित हम करेंगे समझो शॉर्ट ट्रिक है इसकी, तो भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में पैरों की संख्या कितनी 16, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, इसका मतलब जो सिरों की संख्या है ये 16 माइनस के 10 बराबर 6 है, तो पैर की इसमें कितने दिए हैं 148वें क्वेश्चन में L का मान कितना है 16 और इसमें हेड कितने आ जाएंगे 16 माइनस के 10 बराबर 6, क्या पूछा गया है भेड़ों की संख्या कितनी है, भेड़ के पैर कितने होते हैं, भेड़ के पैर होते हैं 4, तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे पहले वाला चार पैर वाले प्राणी, चार पैर वाले प्राणी यानी कि भेड़ों की संख्या बराबर क्या आ जाएगा L बाई टू माइनस के H, L का मान कितना है 16, 16 बाई टू और H की संख्या कितनी है 6, ये कितना आएगा 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, भेड़ों की संख्या कितनी है 2, तो आंसर क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर है, चूहे के पैर कितने होते हैं 4, कबूतर के 2 होते हैं, तो सिरों की संख्या 90 है और 224 क्या है उसके पैर है, तो कबूतरों की संख्या निकालनी, कबूतर के पैर कितने होंगे 2, यानी कि दो पैर वाले प्राणी निकालने, दो पैर वाले प्राणी हमें इनकी संख्या निकालनी, तो कितने आ जाएंगे दो पैर वाले, फॉर्मूला क्या आएगा 2h माइनस l बाई 2 यानी कि 2 गुना 90 एच फोर हेड्स माइनस एल बाई 2 224 बाई 2 ये कितना आएगा 180 माइनस के 112 112 112 घटाएंगे इसमें से क्या बचेगा 68 68, कबूतरों की संख्या कितनी 68 ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं, मुर्गी के पैर कितने होते हैं 2, गाय के कितने होते हैं 4, पैरों की संख्या 140 है और मस्तकों की संख्या, मस्तक मतलब हेड, हेड्स की संख्या कितनी है 48, तो मुर्गियों की संख्या निकालनी है, मुर्गी के पैर कितने होते हैं 2, तो फॉर्मूला आप लगाइए दो पैर वाले प्राणी, दो पैर वाले प्राणी इनकी संख्या क्या आ जाएगी 2h माइनस l बाई 2, तो इसमें 2 इंटू एच का मान कितना है, हेड्स कितने हैं 48, 48 माइनस l बाई 2 यानी कि 140 अपॉन 2 क्या आ जाएगा 96 माइनस 70, तो क्या बचेगा यहां से ये घटाएंगे इसमें से 26 आ जाएगा यानी कि मुर्गियों की संख्या कितनी है 26।
तो इस वीडियो में हम 150 तक के क्वेश्चन करेंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। ओके, थैंक यू।